Hello everyone, welcome back. My name is Pavan Sharma, and friends, let's talk about the Nifty for the coming week. अगले हफ्ते में निफ्टी का क्या रुझान होगा, कहाँ निफ्टी कहाँ जा सकता है, मार्केट में क्या क्या चैलेंजेस हैं, और निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो कब बाइंग आएगा, निफ्टी अगर नीचे जाता है तो कब सेलिंग आएगा. ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट द इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट जस्ट एंटरिंग एन एग्जिट. आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है. हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ओके, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो कोई 100% वो नहीं है कि वही ऐसा ही काम करेगा, लेकिन एक आइडिया, एक आउटलुक होने से यू विल ऑलवेज बी ऑन द सेफर साइड. अगर आपको वो लेवल मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो छोड़ दीजिए, ओके. तो ये चीज आपको समझनी है, राइट. तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे. जैसे हम निफ्टी अभी चार्ट की बात करेंगे, निफ्टी के बारे में ऑप्शंस की बात करेंगे. अगर वो सब कुछ डेटा तो सबके लिए अवेलेबल है, विच मीन्स जो डेटा बता रहा है, जो चार्ट बता रहा है, वो तो फिर एक्यूरेट हो गया 100%. नहीं, ऐसा नहीं होता. होता ये है कि आप अपने लेवल्स को ध्यान रखिएगा. अगर लेवल्स के बात में यू फील दैट ओके, यहाँ से मूवमेंट ऊपर जा रहा है तो बाइंग आएगा, यहाँ से नीचे जा रहा है तो सेलिंग आएगा, और इस रेंज के बीच में है तो कुछ नहीं जाएगा. तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इसका ध्यान रखिएगा, ओके. बिकॉज क्या होता है, वेन यू टॉक अबाउट द बाइंग एंड सेलिंग, जनरली वी फील दैट ओके कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाय कर लीजिए, मार्केट नीचे जा रहा है तो सेल कर दीजिए. नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बाय कहाँ करना है, कहाँ सेल करना है, क्योंकि एक मूवमेंट होता है, ओके. आपको 20 पॉइंट के लिए निफ्टी को बाय नहीं करना है, ठीक है, 20 पॉइंट के लिए निफ्टी को सेल नहीं करना है. आपको बाय सेल तब करना है जब एक बड़ी मूवमेंट का तैयारी हो. क्या पता आपको इंट्राडे नहीं करना हो, मे बी यू वॉन्ट टू डू फॉर डिलीवरी ऑल्सो, ओके. सो इट कुड बी क्वाइट पॉसिबल कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी ट्रेडिंग फॉर्म आपकी है, वो आपका हमेशा एक कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपने लेवल्स पे. तो चलिए बात करते हैं निफ्टी के बारे में. चलिए, ये मेरा निफ्टी का चार्ट है, आप इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए, ओके, और ये रहने दीजिए, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू कम टू दैट. सबसे पहले चेक कीजिए कि निफ्टी का एक जो, अगर इसकी बात करते हैं तो एक होता है, इसको कहते हैं चैनल ट्रेडिंग. तो अगर मैं यहां से एक चैनल ट्रेड करता हूँ ऐसे, तो और उसके बाद मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो देखिए आप देख रहे हैं नीचे का जो है वो लगातार लोअर लो बना रहा है, लगातार लोअर लो बना रहा है. और कल की भी अगर हम बात करते हैं तो कल भी यहां आके अटक गया है. प्रीवियस डे का भी यही हाई था, कल का भी यही हाई है, मीन्स थर्सडे और फ्राइडे का सेम हाई रहा है. लेकिन ये जो लोअर लो बनते जा रहे हैं, लोअर लो बनते जा रहे हैं, ये एक इंडिकेशन है मार्केट का वीक होने का. आप इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, इसको कैसे जज करते हैं, इसको कैसे हम अपने फेवर में लेके आते हैं, ये हम चेक करेंगे, ओके. पहले देखिए यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ भी, ओके, इसको भी हटा देता हूँ, सो दैट यू कैन हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैंडलस्टिक्स, राइट. व्हेन यू लुक एट हियर नाउ, आई हैव प्लॉटेड टू दिस मूविंग एवरेज. मैं, आपने नोटिस किया होगा, मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ, ओके. लेट्स से इफ आई एम यूजिंग MACD, मैं यूज नहीं करता हूँ, बट फिर भी लेट्स टॉक अबाउट MACD, ओके. चेक करते हैं कि MACD क्या कह रहा है फिलहाल. तो देखिए MACD यहाँ पे डाइवर्जन शो कर रहा है, डाइवर्जेंस फ्लैट हो गया है. जो ये ग्रीन लाइन है जिसको आप बाइंग अपॉर्चुनिटी कहते हैं, यहाँ पे ये फ्लैट हो गया है, ओके. और फ्लैट होने की वजह से एक मूवमेंट हो सकता है कि हल्का सा ऊपर आएगा, लेकिन अभी भी थोड़ा सा डाउट है. वाई देयर इज अ डाउट, क्योंकि अभी इसमें क्रॉसओवर आया नहीं है, वो आ सकता है. डिफरेंस है दोनों में, आया नहीं, आ सकता है. वो हमें कैसे पता लगेगा, वो हमें पता लगेगा कि दो मूविंग एवरेज जो मैंने ऊपर डाला हुआ है, ये दोनों 200 मूविंग एवरेज है. मैं यूज करता हूँ 200 मूविंग एवरेज और 5 मूविंग एवरेज. 5 को डालू, इसको मैं कर देता हूँ रेड कर देता हूँ कंप्लीटली, ओके. और इसको हम कर देते हैं एक्सपोनेंशियल, राइट. ये मेरा तरीका होता है एक ट्रेड को, एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का. 5 DMA होता है जिसको हम कहते हैं DMA, डेली मूविंग एवरेज. 5 होता है इमीडिएट चेंज इन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, और 200 होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ओके. तो देखिए 5 भी अभी ऊपर है, विच मीन्स द वीकनेस इज स्टिल देयर.
अगर मैं बात करता हूँ फाइव को हटा देते हैं तो हम इसको बात करते हैं, फाइव को अगर ब्रेक करता है तो फाइव कहाँ ब्रेक होगा, सेम लेवल पे ब्रेक होगा, ऑलमोस्ट टच कर चुका है, हवा में नहीं है, विच मीन्स दैट दिस फाइव नीड टू बी ब्रोकन टुमोरो एट एनी कॉस्ट इन ऑर्डर टू मूव अप. तो क्या होगा इसमें, अगर हमारा बाइंग जो आएगा वो आएगा 11,080 के ऊपर. ओके, वो कितना ऊपर जा सकता है, बाय विल कम अबाउ 11,080. ओके, क्यों, क्योंकि 5DMA भी यही कह रहा है, राइट. और ये जो हमारा रेसिस्टेंस लेवल है वो भी यही कह रहा है, विच मीन्स अब हमें ये देखना है कि ये तो ऑलरेडी 80 पॉइंट्स डाउन है, तो व्हाई कांट वी बाय एट दिस लेवल ओनली. नहीं, ऐसा नहीं होता. दिस इज द बिगेस्ट मिथ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये 80 पॉइंट्स क्यों छोड़े. 80 पॉइंट्स इसलिए छोड़ना होगा आपको ताकि आप लॉस में ना जाएं, प्रॉफिट में ही रहें. यही तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप एंट्री यहीं पे कर जाएंगे एंड देन यू विल गेट स्टक. और फिर आप देन द इजिएस्ट टारगेट पता क्या होता है, टू अब्यूज मी. आपको फिर क्या होता है कि आप स्टक हो गए हैं, देन यू विल स्टार्ट मैसेजिंग मी कि आपकी वजह से फंस गया. आप सुनते नहीं हैं बहुत से लोग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, मोस्ट ऑफ यू आर वेरी मेच्योर ट्रेडर्स बिकॉज आई कैन मेक आउट फ्रॉम मैसेजेस. जब आप मुझे मैसेज करते हैं, आई कैन मेक आउट दैट यस यू आर अ वेरी पेशेंट ट्रेडर एंड यू नो द राइट एंट्री. बट कुछ कैसे होते हैं कि बस एंट्री करना है, क्योंकि सुनना नहीं होता, बस ये सुन लिया कि यहाँ एंट्री करना है, डाल दिया ट्रेड. और कुछ तो क्या करते हैं, पिक ऑफ द वीक पढ़ा कि अमर राजा बैटरी, तुरंत अमर राजा बैटरी ले लिया. समझना नहीं है कि कौन से लेवल के ऊपर लेना है, तो ये बात आपको समझना है. तो अभी इसमें कोई मूवमेंट आएगा ही नहीं, इतना बड़ा इंडिसेसिव, इतना बड़ा है, कैंडल बना है, 232 पॉइंट्स का मूवमेंट कर लिया है निफ्टी ने. तो यहां देखिए, ये 97 का क्लोज है, यहां आने के बाद 930, ओके 930 का इसका ओपनिंग है. तो वापिस जाते हैं, ओके मैं इसको हटा देता हूं बिकॉज दीज आर, मैं एलियट वेव थ्योरी समझा रहा था तो ये उसका पार्ट है. तो आप इसको, मैं पांच को भी हटा देता हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा लाइंस मुझे क्लियर नहीं हो पा रही हैं, ठीक है ना. तो मुझे आदत नहीं है इतनी लाइंस को देखने की, आई नीड अ चार्ट टू बी वेरी क्लियर. ओके, MACD का भी काम हो गया है वैसे, तो MACD भी हटा देते हैं सो दैट वी कैन हैव क्लियर मूवमेंट. तो देखिए यहाँ पे समवेयर अराउंड दिस लेवल विच इज अराउंड 940, ठीक है, 940 के नीचे ट्रेड शुरुआत होगा सेलिंग का. 11,940 फॉर सेल. तो करंटली क्या है, अभी हमारा बाय बहुत दूर है, सेलिंग फिर भी क्लोज है, राइट, दैट्स द फर्स्ट थिंग हियर. सेकंड हमें, अब यहां देखिए ये जो लेवल है 11,154 का, जो ये वाला 200 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज जिसको हम कहते हैं 11,154, राइट. और दूसरा हमारा आ रहा है 11,285. ओके, अब क्या होगा कि जो 11,154 का मूविंग एवरेज अगर ये ब्रेक करता है, ये वाला लेवल, राइट, 80 को ब्रेक करता है, तो ये हो सकता है 154 पे जाके रुके. तो हमारा टारगेट क्या होगा, आप देखिए यहां से टारगेट 11,154 का टारगेट हो जाएगा हमारा. और सेलिंग अगर यहां आएगा, सेलिंग अगर यहां आएगा तो हमारा टारगेट क्या होगा, 11,850, ठीक है. क्यों, क्योंकि इसके बाद जो सपोर्ट निकल के आएगा वो 850 के आसपास ही आता है. ये देखिए, बड़ा करके दिखा देता हूं, पहले तो इसका लो देखिए, ये वाला लो, ठीक है. अब पीछे जाके भी चेक कीजिएगा उस लो पे कि कहां पे आ रहा है. देखिए ये वाला लाइन, कितनी बार कैंडल्स ने हाई और लो 850 पे ही बनाया. देखिए यहां पे, ये देखिए सब के सब 850 पे आके रुक जा रहे हैं, ठीक है. क्लोजिंग 850 पूरा है, इनका लो 850 पे बन रहा है, इनका हाई 850 पे बन रहा है, यहाँ पे लो बन रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग हो रहा है, यहाँ पे हिट कर रहे हैं. एवरी सिंगल थिंग विच यू कैन हेयर इज सी हेयर इज अराउंड 850 ओनली. तो इसीलिए उसका टारगेट 850 का होगा. अगर वो 850 गिरेगा, अगर वो 850 गिरेगा देन द नेक्स्ट टारगेट विल बी 11,700, ठीक है. और उसके बाद 11,700 के बाद देखते हैं क्या है, जो भी है आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट एनीथिंग. आप देखिए 700 का ये टारगेट है, 700 के बाद अगला लेवल क्या निकल के आ रहा है,
देखिए 600 का, और 600 के बाद आता है सीधा 470 अराउंड, तो 600 और उसके बाद सीधा 500 के नीचे गिरेगा. सो विच मीन्स फ्रॉम दिस लेवल 600 राइट, और इसके बाद सीधा नीचे जाएगा 500 से भी नेगेटिव में. ऑलराइट, तो ये चीज है. लेकिन अगर ये क्लोजिंग 154 के ऊपर दे देता है, अगर कल मार्केट 154 के ऊपर क्लोज हो जाती है, याद रखिएगा, तो बहुत सारी मूवमेंट पॉजिटिव हो जाएंगी, द आउटलुक ऑफ द मार्केट विल चेंज टू पॉजिटिव. ओके, लेकिन अगर वो यहां पे हिट करके और बाउंस बैक करेगा 154 से, अब दोनों चीज बता रहा हूं मैं यहां पे, या ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूं. अगर वो 11154 को टच करके बाउंस कर जाता है तो बहुत बड़ा फॉल आएगा. अगर उसने 154 को क्रॉस करके क्लोज कर दिया, ओके, तो एक बड़ी अच्छी मूवमेंट आपको ऊपर देखने को मिलेगी. नेक्स्ट टारगेट होगा 11285. अब ऊपर की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट टारगेट वुड बी 11285, और अगर ये क्रॉस हो गया देन मार्केट वुड टेक बुलिश टर्न. लेकिन अब ये जो क्रूशियल लेवल है ना, इसके बीच में आ गया है, यहां भी रह सकता है हमारा क्रूशियल लेवल. ओके, अगर ये इसको क्रॉस करता है तभी बुलिश मूवमेंट आएगा. तो अब आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होंगे, आप बहुत सारी चीजें ढूंढ रहे होंगे, तो अब आपको पता चल गया है कि कहां पे आपको बाय करना है और कहां पे आपको सेल करना है. ओके, कहां से आपकी मूवमेंट तेज होगा, कहां से आपका मूवमेंट कम होगा, तो ये सब चीजें अगर आपको ध्यान रखेंगे देन यू विल सी दैट देयर लॉट ऑफ क्लैरिटी विल बी देयर इन योर ओन ट्रेडिंग स्टाइल आल्सो. आपको ये समझना है कि नेक्स्ट स्टॉक कहां गिर सकता है, और आपको ये समझना है नेक्स्ट स्टॉक कहां जा सकता है. राइट, डोंट इवन जंप विदाउट एनी इंफॉर्मेशन. आपको पहले समझिए, नेक्स्ट लेवल अपने आप निकल के आ जाएगा. राइट, सो ऑल दीज थिंग्स विच आई एम एक्सप्लेनिंग राइट हियर, दैट बाय इज कमिंग हियर एंड सेल बिलो दिस एंड एंड दिस 500 तक नीचे गिर गया, अगर वो 850 को क्रॉस कर गया तो, और अगर ऊपर जाता है तो सबसे पहले आपको 154 पे रुकेगा, 154 से बाउंस करेगा तो सेलिंग खत्म, उसके बाद तो सीधा गिरता चला जाएगा. और अगर 154 के ऊपर क्लोज कर लिया तो थोड़ा टाइम वो ट्रेड करेगा 285 के बीच में, और अगर 285 के ऊपर क्रॉस कर गया देन लॉट ऑफ गुड न्यूज विल बी देयर इन द मार्केट, वंस अगेन द मार्केट विल बी बुलिश. तो ये छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है. ओके, तो अगर आपको ट्रेड लेना है, आपको स्विंग ट्रेड लेना है निफ्टी में और उसमें, तो आप कर सकते हैं. राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट द निफ्टी गाइज. सो अंडरस्टैंड दीज कैंडल्स एंड ऑल, कोई इंडिकेटर काम नहीं करेगा, आपके लेवल्स और आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज गोइंग टू वर्क फॉर यू. ऑलराइट, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डू इन्फॉर्म मी बाय इन लाइकिंग द वीडियो, और जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट द निफ्टी एनालिसिस ऑफ द कमिंग वीक, ये अगले वीक के लिए एनालिसिस है. ओके, तो होपफुली आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा. राइट, टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे.